कंटिन्यू करते हैं नाउ। तो 29 नंबर में आपका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिकल नहीं था। विच ऑफ द वर्किंग सेल हैज कांस्टेंट ईएमएफ ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। ठीक है, कांस्टेंट ईएमएफ होगा। देखो देखो जनरली क्या होता है, वर्किंग सेल का ईएमएफ चेंज क्यों करता है, तो आपको जहां तक याद होगा जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते थे वो या तो गैसेस फॉर्म में रहता था या तो वो एक्वस फॉर्म में रहता, तो इस वजह से कंसंट्रेशन और प्रेशर में चेंज आता था, ई सेल जी ई सेल में भी बहुत सारे में चेंजेस आता था उस वजह से। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन फोर देखो तो ऑप्शन फोर प्योर सॉलिड ही है, तो जब सॉलिड है तो ये कभी भी इसका कोई भी ई सेल कभी भी चेंज होगा ही नहीं। पहली बात तो रिएक्शन हो गई नहीं, जब रिएक्शन हो गई नहीं तो ई सेल भी नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा, 30 का डी, इसका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, प्रेशर इफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज, तो आपको डायरेक्ट पता है ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट ओपी -0.059 बाय एन लॉग ऑफ। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो H2 किस में कन्वर्ट होगा, ट्वाइस ऑफ H+ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब यहां ऊपर तो क्या हो जाएगा H+ का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, तो यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी और E not OP मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस आपको कुछ ने कंडीशन दी होती, प्रेशर और H की प्लस की वैल्यू आपको चेक करनी थी, एक एक डाल के किस में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किस में आता है, पहले वाले में तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले का 0 आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा -0, तीसरे वाले का भी माइनस आएगा, चौथे वाले, हाँ ऑप्शन ये आपने इसमें डायरेक्ट, बस आपको डायरेक्ट क्या करना, वैल्यू पुट करनी है, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका ऑब्वियस बात है 31 का आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको सॉल्यूशन टेक्स्ट कर दूंगा जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द कंडक्टेंस ऑफ वन मॉलिक्यूल सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक, बिल्कुल सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस वाइल मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस और प्रोग्रेस डाइल्यूशन। तो मुझे ऑप्शन बी गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि जब डाइल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कि 1 ml में पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो ऑन द डाइल्यूशन जैसे आप पानी और ऐड करते हो या कोई भी वाटर ऐड करते हो किसी सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन घटने से लैम्डा एम बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। 33 नंबर की बात करो, PQRS 33 में क्या है, लैम्डा एम ऑफ केसीएल इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन बिकॉज ड्यू टू वीकनिंग, उनके बीच का जब आप केसीएल सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, पानी बहुत ज्यादा डाल देते हो तो केसीएल के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से लैम्डा एम क्या हो जाता है, उनका इंक्रीज हो जाता है, तो पी का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, क्यू लैम्डा एम ऑफ CSA CWS इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है बिकॉज इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या जाती है, बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। आर का लैम्डा ऑफ केसीएल वर्सेस अंडर रूट ऑफ मोलरिटी कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, इज अ लीनियर ग्राफ, एस का 1 हो जाएगा, तो इसका ऑब्वियस बात आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 34 थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे बेसिकली। ठीक है, 34 भी आपको मैच द कॉलम है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 आप देख लो फिर से, कहीं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। लैम्डा एम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो बस का ऑप्शन आर होगा। ठीक है, ई सेल की यूनिट क्या हो जाती है, ई सेल की यूनिट हो जाती है ओम, सॉरी वोल्ट, 2 का एस हो जाएगा, 3 कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम साइमन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है बराबर पी, और इसको ऑब्वियस बात आंसर क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, कोहलर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, देखो पोटेशियम क्लोराइड इन हेक्सेन, ये कभी भी डिसोसिएट, देखो कोहलर्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सॉल्ट का जो भी होगा
जो भी उसकी कंडक्टिविटी होगी वो उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे उसके कैटायन और उसके एनायन का दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसका मतलब डिसोसिएट होना चाहिए। पोलर स्लो बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या लैम्डा इनफाइनाइट है जैसा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है मतलब उसके लिए किया जाता है। बट आप देखो फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड ये दोनों ही डिसोसिएट होंगे, जब डिसोसिएट होंगे नहीं तो आप ये लैम्डा एम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इस सॉल्ट के लिए। तो इसके लिए आपको दो तीन दिया होना चाहिए तभी आप कॉलर स्लो लगा सकते हो। बट फर्स्ट में भी नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, फोर्थ में भी, क्योंकि बेंजोइक एसिड बेंजीन में क्या होता है डाइमराइजेशन फॉर्म में होता है। तो ऑब्वियस बात है आप ये भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ HCl इन वाटर के फॉर्म में रहेगा, 100% डिसोसिएशन रहेगा, H+ का अपना आयनिक कंडक्टिविटी होगा, Cl- का अपना आयनिक कंडक्टिविटी होगा, जिस वजह से आप कॉलर स्लो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो 35 का ऑप्शन क्या होगा सी। 36 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, Zn का E नॉट दिया हुआ, Fe का E नॉट दिया हुआ और Sn का E नॉट दिया हुआ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये दोनों ये सारे के सारे क्या दिए हुए, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन जो नेगेटिव है इसका मतलब ये सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव में, इसका मतलब जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिसका ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इसका मतलब जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन रिएक्टिव है, सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है आपका टीन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जिंक विल बी कोरोडेड इन प्रेफरेंस टू आयरन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन ऑन द सर्फेस। ऑब्वियस बात है आप क्या कर सकते हो आयरन का कोरोजन बचाने के लिए, अगर आप जिंक की कोटिंग भी करते हो और इनकेस उसमें क्रैक भी आ जाता है तो आयरन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है तो वो जिंक पहले पार्टिसिपेट करेगा, आयरन उस केस में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, इफ आयरन इज कोटेड विद टिन एंड कोटिंग इज ब्रोकन द सर्फेस देन आयरन विल बी कोरोडेड। ऑब्वियस बात है अगर आयरन के सर्फेस पर आपने टिन की परत चढ़ाई तो आप समझ लो जब अगर उसमें ब्रेकेज आ गया तो टीम ज्यादा रिएक्टिव नहीं है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है आयरन, जिस वजह से आयरन में क्या हो जाता है कोरोजन लग जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट टीन इज लेस रिएक्टिव, तो ऑब्वियस तीनों ऑप्शन मेरे क्या है करेक्ट है, 36 का सी, ठीक है। 37 क्या बोल रहा है, देखो ये दिया हुआ है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो अच्छा क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑप्शन F2 और I- मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। F2 और I- क्या है, देखो I- का आया, देखो I- का प्लस में दिया हुआ है रिड्यूस, तो इसका मतलब ये सबसे लेस वैल्यू है, तो सबसे लेस वैल्यू तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। I-2 नहीं है, I- की बात करता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का नंबर क्या बोल रहा है, फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन E0 इज 0+ 0.96 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर सेम मेटल आयंस आर, ठीक है। ये दिया हुआ E0, अच्छा मतलब ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए आपको, ठीक है। विच पेयर ऑफ द मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3- इन एक्वस सॉल्यूशन, देखो ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3- का मतलब क्या होगा कि ये जो होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन देगा और सामने वाले की मेटल की जिसकी मेटल की ऑक्सीडेशन मतलब जिसकी मेटल की खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, मतलब ऐसा समझो NO3 किसी को ऑक्सीडाइज कब कर सकता है, NO3 ऑक्सीडाइज कब कर सकता है कि NO3- ऑक्सीडाइज करने का मतलब हुआ कि NO3 अपने आप को क्या करेगा अपने से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सामने वाला मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वही मेटल NO3 से ऑक्सीडाइज हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, मतलब उसके रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि NO3- उन्हीं मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है जिसकी उससे रिडक्शन पोटेंशियल उससे क्या होनी चाहिए कम, अगर उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो NO3- को तो रिड्यूस हो जाएगा, वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब है NO3- किसी मेटल को तभी ऑक्सीडाइज कर सकता है या तभी ऑक्सीडाइज कर सकता है जब NO3- से उस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों फॉर्मेट में समझा दिया, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन सामने वाले के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका यहां पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 0.96, तो वैनेडियम, Fe और
वेनेडियम एफ ई, तो वेनेडियम एफ ई और एच जी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल कौन सा दिया, वेनेडियम एच जी, ऑल ऑफ दिस, यस ऑल ऑफ दिस मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है, विद कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन बिल्कुल गलत है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोड सेम, ये भी गलत है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉर्मूला बेस्ड ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल बेस्ड कर लिया होगा। 40 नंबर, 40 नंबर क्या है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। 40 नंबर, 40 नंबर मैं यहां लिखता हूं, 40 नंबर में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस लैम्डा एंड एन ए एन ओ 3 है, मतलब ये दिया हुआ है P का जो होगा कैन बी ऑप्टेन बाय ये कैसे मिल सकता है, इसको अगर हम एक्स्ट्रा प्लोटेशन कर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये ऐसा होगा, ये हम डायरेक्ट ऐसा एक्स्ट्रा प्लोटेशन करके निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ग्राफ को जीरो मेलेरिटी, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा वाला ग्राफ होता तो वही उसने एक्सप्लेन किया। क्यू का क्या होगा, क्यू का जो होगा वो मेरा होगा 1 कैन बी ऑब्टेंड, इसका जो लैम्डा है होगा वो कॉलर्स लॉ से निकाल सकता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आयनिक मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ आयन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 वी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 और एस का यूजुअल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या बोल रहा है आपका, डिड्यूस द फॉलोइंग हाफ सेल जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोटेंशियल होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन का हाफ सेल लोगे जिसका लार्जेस्ट। तो सिंपल सी बात है, ई सेल बराबर मैं बहुत तरीके से ले सकता हूँ, ई सेल को ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड अगर मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ, कैसे देखो, अगर मैं 2 और 3 का देख रहा हूँ, 2 मेरे लिए क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, और ये जो है मेरा माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, एनोड का माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है तो माइनस ऑफ 1.25, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, मैक्सिमम मिलेगी। तो ऑप्शन 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 42 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, 42 नंबर में देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो R3 R4 दिया हुआ रेजिस्टेंस लगा है व्हीटस्टोन ब्रिज में, R1 क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और R2 कनेक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें P इज अ डिटेक्टर दिया हुआ है, तो उसने क्या बोला, व्हाट इज द फॉल्स, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, सही बात है। R2 का फॉर्मूला क्या होगा, R1 into R4 डिवाइडेड बाय R3, बिल्कुल सही है। P इज अ कंडक्टिविटी सेल, ये गलत है, यस इट इज रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि P डिटेक्टर दिया हुआ उसने ग्राफ में, डायग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है, AgNO3 को जब हम ऐड करते हैं KCl में, तो ये आपको AgCl देगा प्लस KNO3 देगा, इसका मतलब ये होगा कि Cl माइनस NO3 माइनस से रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब एट द एंड पॉइंट तक, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, एट द एंड पॉइंट तक इनकी कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट आफ्टर एंड पॉइंट आप क्या ऐड कर रहे हो, AgNO3 सडनली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द डैनियल सेल, रिडक्शन हाफ सेल ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऐसा होता है, बिल्कुल रिडक्शन हाफ सेल पोर्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स कपल, नहीं रिडक्शन हाफ सेल रिडक्शन ऑफ टू हाफ पोर्शन, जब तक दो का कॉम्बिनेशन होगा तब तक रेडॉक्स कपल नहीं हो सकता है, इसलिए 44 का ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, 44 का ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, ठीक है, 44 का सी है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, बस
अच्छा E naught reduction potential क्या होगा? E reduction potential होगा, E reduction potential होगा E naught reduction potential minus 0.059 by N, ठीक है? कहाँ जा रहा है? Cu plus 2 से 2 electron accept करके Cu में जा रहा है, इसका मतलब 1 by Cu plus 2 का concentration ये हो जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये हो जा रहा है 0.34 minus 0.059 by 2, 1 by concentration of Cu plus 2. अब यहाँ पे क्या है 0.1 दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है 0.1 Cu2 plus concentration को, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं इसमें से ऊपर चला गया ये log, sorry log of, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये plus में आ जाएगा, तो 0.34 plus 0.059 by 2 log of 0.1, ठीक है? तो ये 10^-1 उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होगा ना बेटा, वो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए होगा। या तो यहाँ माइनस कर दो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मीनिंग एक ये दोनों का मतलब, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल वर्ड पे हम चलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग सेल, ठीक है? आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है? इस सेल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे सेल को, कि mg plus 2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन है 0.13 ऑब्लिक, फिर आपको दिया हुआ है ag plus ag में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका है 0.0001, ठीक है? आपको इसका ई सेल निकालना है बेसिकली, ठीक है? तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 3.17 दिया हुआ माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ, ठीक है? लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, mg plus 2, तो mg plus 2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.13 डिवाइडेड बाय 0.0001 का होल स्क्वायर, क्योंकि ag plus जब माइनस करोगे तो ट्वाइस ऑफ ag plus है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 3.17 माइनस 0.21, ये जो वैल्यू आती है 2.96 वोल्ट आता है, ठीक है? ये 47 का आंसर आपका, ठीक है? 46 के रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी सेल फिल्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है? 0.1 एम मोलर कंसंट्रेशन वाले का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, और उसका कप्पा जो दिया हुआ है वो है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है? तो बोल रहा है 0.2 वाले का मोलर का अगर सेम सेल का कंसंट्रेशन चेंज किया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल फिल्ड विद 0.2 एम मोलर ऑफ सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 520 ओम, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन इज इतना, तो आपको लैम्डा एम कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो कुछ नहीं, यहाँ से क्या करूंगा, कनेक्टिविटी सेल निकाल के कप्पा निकालूंगा तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, कप्पा बराबर क्या होता है, जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट इंटू सेल कांस्टेंट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा, कप्पा के बराबर, जी इनटू एस सॉरी 1 बाय आर को हम क्या बोलते थे, कंडक्टेंस, ठीक है? जी इनटू सी क्या होता था, कंडक्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस नहीं दिया, उसी का रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर होगा कप्पा इनटू
आर, इसका मतलब ये होगा कंडक्टिविटी 129 1.29 into 100, मतलब क्या हो जाएगा 129 सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट में इनका क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कप्पा निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जी इंटू वन बाय आर, तो जी मेरा कितना दिया है 129 by 520, ये मेरा क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 by m, 1000 by m, मतलब कप्पा कितना है 129 by 520 into 1000 divided by 0.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आती है 124 into 10 to -4, मतलब आंसर आपको 124 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूं मैं, Mg से C2 प्लस और C सॉलिड में इतना गया है तो Mg से E0 सेल कितना होगा, तो कुछ नहीं E0 सेल बराबर जो हो जाएगा, E0 सेल बराबर जो हो जाएगा E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है, तो 0.34 माइनस ऑफ 2.37, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है आपका 2.71। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड हाइड्रोजन इतना दे रहा है तो व्हाट इज द मास, तो कुछ नहीं W1 by E1 = W2 by E2, ठीक है, तो द वेट ऑफ द हाइड्रोजन कितना मिला 1.0089, इसका इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, और W2 ऑक्सीजन का पूछा जिसका इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो W एप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम आएगा, या एग्जैक्टली 8 ग्राम आएगा, 8.0089, तो आप एग्जैक्टली 8 ग्राम भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, रेजिस्टेंस ऑफ 1 न्यूटन, रेजिस्टेंस ऑफ इतना दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है ना, तो कप्पा को पहले मैं निकाल लेता हूं 1 by R into G, तो 1 by R into G, तो 1 by 250, और जी कितना दिया हुआ 1.15, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा कप्पा इनटू 1000 बाय एन, तो कप्पा कितना दिया 1.15 by 250 into 1000 divided by normality कितना है 1 है, तो ये approximately आंसर आ जाता है 4.6। ठीक है, तो this is all your solution, बाकी